हेलो एंड वेलकम बैक टू दी सिविल इंजीनियरिंग विथ एमएसए इंप्रूव योर नॉलेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी, टेंशन मेंबर के बारे में, और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे जो डिज़ाइन प्रॉब्लम रिलेटेड है किसके, टेंशन मेंबर से। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का हम लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। देखिए, जितने वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन होंगे उतना हमारे लिए क्या होगा कि आसान हो जाएगा इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को समझना। तो इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की जगह क्या करूँ, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को लेकर के आऊँ, ताकि क्या हो कि ऑलमोस्ट सारे तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो आपके इसमें कवर हो जाए। तो वन बाई वन हम लोग इसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए आज के क्वेश्चन को बिना टाइम गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, आज जो है हम लोग करेंगे डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर बार। ठीक है, नाम सुन के तो ऐसा लग रहा होगा कि पिछले बार जो काम किया है वही आप लोगों ने किया है, लेकिन देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब जो है प्रॉपर डिजाइनिंग करेंगे। जैसे आरसीसी आप लोग पढ़ते थे तो प्रॉपर डिजाइनिंग किसको बोलते थे, जब आप कुछ चेक्स अप्लाई करते थे, है ना, अपने डिजाइन के साथ कुछ चेक करते थे। तो यहाँ हम लोग चेक भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे कि अगर एरिया हमको नहीं दिया हुआ है मेंबर का, तो हम लोग एरिया को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इस पर भी बात करेंगे। तो आज का न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, ये लंबा होगा, लेंथी होगा, तो इसीलिए घबराना नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से जो है वो आराम से बैठ करके इस पूरे लेक्चर को देखना है। आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन जैसे ही सामने आए तो क्या करना है जी, क्वेश्चन से करनी है बात। तो आइए आज इससे बात करते हैं। देखिए, देख करके तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलता है क्या कि एक टेंशन मेंबर है जो कह दिया कि 1 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। रिक्वायर्ड टू रजिस्ट सर्विस लोड। देखिए, आज के न्यूमेरिकल में एक और नई चीज अपने को मिल गई। आज तक जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो फैक्टर्ड लोड पे काम कर रहे थे, आज हमारे पास सर्विस लोड है। ये भी एक ट्राई हो जाएगा कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। और ये सर्विस डेड लोड दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, डेड लोड कितना है हमारे पास, 20 किलो न्यूटन का है, और लाइव लोड हमारे पास कितना है, 50 किलो न्यूटन का है। जो लाइव लोड है वो भी सर्विस है ना, फैक्टर्ड नहीं है या डिजाइन नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। डिजाइन अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ स्टील ग्रेड। ठीक है, स्टील का ग्रेड दे दिया, एज्यूमिंग दैट द मेंबर इज कनेक्टेड बाय वन लाइन। वन लाइन का मतलब क्या होगा कि जब भी आप बोल्टिंग इसमें कीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में कीजिएगा, और वो भी बता दिया कि कैसे करना है आपको। 16 mm डायामीटर का बोल्ट आपको यूज करना है, जिसका कि ग्रेड भी कितना होना चाहिए, 4.6 होना चाहिए। ठीक है, तो हर तरह की बात बता दी गई है इसमें। जो नहीं बताई गई है वो क्या होगा, नंबर ऑफ बोल्ट नहीं बताया गया है, एरिया नहीं बताया गया है, और जो फाइनली हमको चेक लगाना है, क्योंकि हमको करना तो क्या है, डिज़ाइन है। तो इस न्यूमेरिकल में कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो कनेक्शन के यूज़ होंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो टेंशन मेंबर के यूज़ होंगे, और बड़े आसानी से ये न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो इसको बनाना कैसे है, उसके लिए क्या कर लूँ मैं खुद को गायब। देखिए, अब जरा ध्यान से समझिए कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। देखिए, जो जो चीज़ें पहले लिखी हुई है ना, उसको हम लोग भी क्या करें कि एक जगह जमा करते जाए, तो बहुत आसान हो जाएगा अपने लिए। तो हम लोग जरा सा काम यहाँ से ये करना स्टार्ट कर देते हैं कि फॉर किसके लिए जी, एफ़ई। देखिए, थोड़ा लिखना पड़ेगा आज मुझे, है ना, तो हो सकता है कि आपको लगे कुछ लंबा चौड़ा हो रहा है, लेकिन घबराना नहीं है। एफ़ई 410 के लिए आपको क्या पता है कि एफ ऑफ यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 410 ही होगी, न्यूटन पर mm का स्क्वायर। अच्छा, और अगर मैं आपसे कहूं कि एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ वाई की वैल्यू हो जाएगी 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये तो चलिए हमारे लिए नोन है। अच्छा, और हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, अब मेरे पास निकल करके आ जाएगा गामा एम नॉट। क्या हो सकता है गामा एम नॉट, क्या होता है जी, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल जो हम लोग यूज़ कर रहे थे ना, गामा एम नॉट क्या होगा, 1.1। अच्छा, उसके बाद देखिएगा तो गामा ऑफ एम वन कितना हो जाएगा हमारे पास, 1.25। ठीक है, अच्छा, ये देखिए, ये वाली चीज़ तो आपको कहाँ पर मिल जाएगी, ये तो आपको मिलेगा टेबल नंबर 5 में, देख लीजिएगा बड़े आसान से। एक चीज़ और यहाँ पर मैं लिख लूँ कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर डेड लोड एंड लाइव लोड, है ना, यानी लोड पर जो लगता है, जिसको मैं गामा एफ भी कह सकता हूँ, है ना, गामा ऑफ एफ अगर मैं लिखूँ तो ये होता है आपका 1.5। ठीक है, गामा ऑफ एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5। ये आपको कहाँ पर मिल जाएगा भाई, टेबल नंबर 5 जो है ना, वहाँ पर आपको मटेरियल के लिए मिलेगा, और टेबल नंबर 4 जो है कोड में आपके पास, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, लोड के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मिल जाएगा। तो बहुत कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ये चीज़ें आप लोगों ने लिख ली। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ ताकि क्या हो, बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, आपके पास बोल्ट क्या दिया हुआ, देखिए जरा बोल्ट का डाया कितना दिया हुआ है जी, बोल्ट का डाया आपको दिया हुआ है 16 mm, है ना, 16 mm।
यानी ये तो d की वैल्यू आपको दी हुई है ना। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप d नॉट बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, 16 + 2 = 18 mm। अच्छा मैं पूछूंगा कि भाई आपने ये दो क्यों काम किया है, तो आप क्या कहिएगा कि भाई इसके लिए बहुत सिंपल सा काम है कि आप चले जाइए टेबल नंबर 19 में, जो कि पेज नंबर 73 में आपको याद हो गया होगा बिल्कुल, है ना। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, निकाला इसको, ठीक है। अच्छा ये सर्विस सर्विस डिड एंड लाइव लोड, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए फैक्टर्ड फैक्टर्ड टेंसाइल लोड। तो मैं क्या करूं कि बहुत सिंपल सा एक काम कर दूं, ठीक है। इसके लिए बहुत ही सिंपल काम क्या करूं कि 1.5, देखिए जरा ये काम आप लोग आरसीसी में दबा के करते थे, 20 + 50। 20 क्या है हमारे पास में, देखिए जरा क्वेश्चन में 20 है हमारे पास में डेड लोड, और ये देखिए ये वाला है ना। अच्छा और 50 क्या है हमारे पास में, लाइव लोड है, दोनों को जोड़ा और 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, अब इसमें 1.5 क्या है यहाँ पर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड, और इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमारे पास क्या बन जाएगा, फैक्टर्ड या फिर डिजाइन टेंसाइल लोड बन जाएगा, है ना। तो डिजाइन टेंसाइल लोड हमारे पास कितना आया, 105 kN। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया। अब इतना काम करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ एरिया तो दिया हुआ नहीं है, तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज में चलता हूँ और एरिया निकालता हूँ। देखिए एरिया निकालने के लिए जो क्लॉज यूज करूंगा, एरिया तो हम दो तरह से निकाल ही सकते ना, देखिए एरिया रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा भाई, ऑन द बेसिस ऑफ, पहले नेट सेक्शनल से निकाल लूं, बहुत बढ़िया नेट सेक्शनल से निकाल लेते हैं, ठीक है। नेट सेक्शनल फ्रैक्चर, ठीक है, ये कौन सा है, ये है आपका क्लॉज नंबर मैं यूज करने जा रहा हूं अब 6.3.1 और जिसका पेज नंबर है 32, ये मैं यूज करके आगे का काम करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको जब जाइएगा तो आपको कोड ने क्या कहा है, आपको कोड ने कहा है कि एक तो आप ले लो भाई फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है कि t इज इक्वल टू 0.9 इंटू ए एन इंटू एफ ऑफ यू, ठीक है, क्या हो जाएगा जी, एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाई गामा ऑफ एम वन, ये आपके पास फॉर्मूला था। अब क्या कीजिए, टी तो आपको पता चल ही गया है क्योंकि अभी आपने अभी तो निकाला है ना, तो यहां से हम ए एन तो निकाल ही सकते हैं ना, ए एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, टी इंटू गामा ऑफ एम वन डिवाइडेड बाई 0.9 एफ ऑफ यू। देखिए सारे वैल्यूज को उठाते हैं और क्या करते हैं जी, बहुत प्यार से पटक देते हैं यहां पर, जब इसको पटक किएगा तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा कि 105 इंटू टी की वैल्यू 105 इंटू 1000 कर दूं, क्योंकि क्योंकि 105 जो आप लोगों ने निकाला है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, ये 105 क्या है आपका, किलो न्यूटन में है, तो इसको तो आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि सारे अपने वैल्यूज हमारे पास में किस में आ जाएंगे, फिर एमएम और न्यूटन के फॉर्म में आते हैं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या करें कि इसको हम लोग कन्वर्ट भी करते चले। तो याद रखिएगा जब भी आप एग्जाम में कभी सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये परेशानी जरूर आएगी कि आपने अगर कन्वर्ट नहीं किया है चीज़ों को तो वो कुछ ना कुछ कर देगा, क्योंकि एफ ऑफ यू की वैल्यू भी क्या है आपके पास, 410 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, तो आपको इसको किलोन्यूटन से न्यूटन में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना। देखिए जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास जो वैल्यू निकल करके आ जाएगी वो आ जाएगी 355.69 mm का स्क्वायर। देखिए ये तो आपने एक काम कर लिया, लेकिन अब इसको जरा सा हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे देखिए जरा, क्योंकि दूसरा तो एक हमारे पास फॉर्मूला है ही, है ना, दूसरा एक हमारे पास फॉर्मूला है ही, वो कौन सा है भाई, एजी वाला ना, जिसमें ग्रॉस यील्डिंग हो रहा था, वहां से हम लोग एजी निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये क्या आया है आपका नेट सेक्शनल एरिया आया है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा एक स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट आपको बहुत ध्यान में रखना है कि ये काम हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, मैं लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप भी नोट कर पाओ, दिस नेट एरिया, ये आपको हमेशा लिखना पड़ेगा जब भी आप ये काम करिएगा, रिक्वायर्ड शुड बी इंक्रीज बाई कितना करो, 25% कर देता हूँ, 25% टू हैव ग्रॉस
ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड। मैं क्या मान लेता हूं, मैं यहां पर ये काम करता हूं कि भाई जो मेरा नेट एरिया आया था उसको कितना इंक्रीज कर दूं, 25%। देखिए 20-25% आराम से इंक्रीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी क्वेश्चन में मैं 25% इंक्रीज करता हूं, बाद वाले क्वेश्चन में 20% भी इंक्रीज करके बनाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी यहां पर, ठीक है। तो देखिए इंक्रीज इन एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एरिया हो जाएगा आपके पास 355.69। ये तो नेट सेक्शनल एरिया है, नेट सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है, इसमें डायमीटर ऑफ होल आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा, है ना। लेकिन ग्रॉस एरिया में तो क्या है, जोड़ना पड़ेगा। अच्छा ये काम क्यों कर रहे हैं, 25% अपने मन से इंक्रीज क्यों कर रहे हैं। अगर हमको ये कभी पता रहता कि नंबर ऑफ बोल्ट आपने कितने यूज किए हैं ना, तो क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट नंबर ऑफ बोल्ट के हिसाब से नंबर ऑफ होल इसमें ऐड करके निकाल देते। लेकिन अभी तो वो हमारे पास में है नहीं, जब है नहीं तो हमको कुछ और ही पैतरा अपनाना पड़ेगा ना, 25 divided by 100 के लिए। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 88.922 mm². ये तो हमको इंक्रीज करना है। तो अब हमारे पास न्यू एरिया क्या हो जाएगा, नाउ ग्रॉस एरिया अब क्या हो जाएगा। देखिए हमारे पास पहले से है ना 355.69, तो पहले से प्लस अभी इंक्रीज आपने कितना किया है, आपने इंक्रीज किया है 88.922। देखिए जब इसको जोड़िएगा तो आपके पास अब ग्रॉस एरिया की वैल्यू आ जाएगी 444.61 mm². ये हो गया हमारे पास ग्रॉस एरिया, कब, जबकि नेट एरिया में हम लोग मानते हैं कि 25% हम लोगों ने इंक्रीज किया है। ये 20% भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं आती है, ठीक है। ये अपने हाथ में होता है जब हम लोग खुद का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, एरिया रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस सेक्शन। पहले किसमें निकाला था आपने, नेट सेक्शन ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा ग्रॉस सेक्शन के लिए, ग्रॉस सेक्शन के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, टी इज इक्वल्स टू ए जी एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम नॉट। अब आपको क्या करना है जी, वैल्यूज आपके पास पड़े ही हुए हैं, यहाँ से आपको पटकना होगा। लेकिन पहले लेकिन इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि ए जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इस फॉर्मूले से ए जी की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए यही होता है ना, अपन कुछ आड़ा तेढ़ा काम करके कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट कर ही लेंगे। इतना सारा फॉर्मूला अपने पास पड़ा हुआ है ना कि यहाँ इस हम मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत है। अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ से उठाया है, हाँ ये तो बड़े काम की चीज़ है, ये तो बताया नहीं मैंने कि क्लॉज नंबर आपको 6.2 में जाना पड़ेगा, पेज नंबर 32 में देखिएगा, ये वाला ग्रॉस येल्डिंग वाला फॉर्मूला है ये। तो देखिए यहाँ से ए जी की वैल्यू कितनी आ रही है, वहाँ तो आपने ए जी का वैल्यू निकाला, ए एन निकाल के 25% इंक्रीज करके देखा ना, ए जी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, तो सॉरी यहाँ तो आपने कर ही दिया है। अब लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को उठा कर पटक देते हैं यहाँ पर, 105 × 1000। ये 1000 क्यों किया, क्योंकि 105 जो हमारे पास टी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी वो किस में थी, किलो न्यूटन में थी, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया न्यूटन में, 1.1 ठीक है, 1.1 गामा ऑफ एम नॉट की वैल्यू, और 250 यहाँ पर इसकी हो जाएगी एफ ऑफ वाई की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ग्रेड ऑफ स्टील पहले ही दिया हुआ है, तो 462 mm² देखिए ये आपने निकाला, ठीक है। दोनों तरफ आपने क्या निकाल लिया, एजी निकाल लिया। अब एजी निकालने के बाद क्या करना है, एजी निकालने के बाद एजी हो गया ना काम। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा स्टेटमेंट देखिए, एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, फिर नाउ रिक्वायर्ड ट्रायल एरिया, क्योंकि ये तो ट्रायल ही कर रहे हैं ना हम लोग, रिक्वायर्ड ट्रायल एरिया। ये क्या होगा देखिए, कि दोनों जो आपने निकाला है ना उसमें दोनों में लार्जर होगा, यानी लार्जर दोनों में से जो बड़ा हो, लार्जर ऑफ 444.61 mm² एंड कौन सा अभी आपने निकाला, अभी आपने निकाला है ये वाला ना 462 mm² दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 462 बड़ा है, तो हम लोग क्या करें 462 को अडॉप्ट कर दे, ठीक है। अच्छा तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, टेक 462 mm², ठीक है। ये हम लोगों ने क्या माना, ए जी की वैल्यू को माना। अब हम लोग ये काम कर ले कि लेट थिकनेस इज इक्वल टू कितना मान ले हम लोग जी, 10 mm, थोड़ा बहुत मानने का काम चलता है ना,
आप भी मान लो, हम भी मान ले, पूरा दुनिया एक दूसरे को मान ले, तो मानने का काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर देखिए मैं निकालूंगा विड्थ कितना हो जाएगा। अब आप कहिएगा विड्थ के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो बताता हूं ऑफ बार रिक्वायर्ड। विड्थ के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, ये तो कोई तो रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा ना, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू टी होगा। तो यहां से अगर मैं आपको कहूं कि बी निकालिए, तो आप क्या करिएगा, ए बाई टी करिएगा। ए तो आपके पास पता ही है, टी आपको पता ही है, तो आप यहां से काम कर ही सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 4 6 2, क्योंकि इसी को तो हम लोगों ने एडोप्ट किया ना, ये बड़ा वाला है, तो डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि थिकनेस 10 है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 46.2 mm, इसको नियरली अबाउट 50 mm मान लेते हैं, चलो ना क्या दिक्कत है, मानना ही तो है। देखिए ये तो अभी आप लोगों ने काम किया ना, दोनों ने निकाला, दोनों निकालने के बाद छोटा सा एक चेक भी लगा लेते हैं, ठीक है। ये चेक हम लोग लगाते हैं, देखिए कुछ जगह पर जो है ना वो चेक लगाना भी बहुत अच्छा काम होता है, देखते हैं। देखिए चेक लगा, क्योंकि क्वेश्चन हमको बता दिया है बहुत कुछ, तो हम लोग काम कर ही लेंगे यहां पर। एज पर क्वेश्चन क्या, एज पर क्वेश्चन क्या, मेंबर इन कनेक्टेड इन वन लाइन। क्वेश्चन में ये बात लिखी लिखी गई थी ना कि मेंबर जो है वो कैसे कनेक्टेड है भाई, देखिए जरा यहां पर कनेक्टेड बाय वन लाइन। जब वन लाइन कहा जाए, इसका मतलब क्या है कि जो बोल्ट लगने वाला है वो बोल्ट कैसा लगने वाला है, एक लाइन में लगने वाला है ना। और एक लाइन में जब लगने वाला है, इसका मतलब क्या होगा कि देखिए कुछ इस तरह से मेंबर होगा ना। अभी मुझे नहीं पता है कितना नंबर ऑफ बोल्ट आपने यूज किया है या करना है इसके लिए, लेकिन बस ऐसे ही बस सोच रहे हैं हम लोग, ये कुछ एक लाइन में लगेगा, सोन जो भी हो सकता है, ये वन लाइन में लगेगा, इतना तो आपको पता है। जब ये वन लाइन में लगेगा, तो इससे आप क्या कर सकते हो कि नेट एरिया प्रोवाइडेड यानी AN की वैल्यू आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। तो आप यहां से AN की वैल्यू निकाल करके इसको चेक भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए नेट एरिया, एरिया प्रोवाइडेड, ठीक है, नेट एरिया प्रोवाइडेड, जिसको आप ए एन भी कहते हैं। देखो फॉर्मूला लिखूंगा याद आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ, बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला आपको याद है ना। हाँ बिल्कुल, बी का वैल्यू अभी तक आपने फाइंड आउट किया कितना आया है भाई, 50 mm, ये देखिए यहीं पर तो आपने निकाला है एन। देखिए अगर एक लाइन में बोल्टिंग हुई है, यहां से इसको टूटना है, तो नंबर ऑफ बोल्ट कितना होगा इसमें, वन ही होगा ना, यही तो आसान हो गया था ना अपने लिए। अच्छा डी नॉट अभी अभी हम लोग बता सकते हैं, डी नॉट कितना होगा, 16 mm का बोल्ट था, तो डायमीटर ऑफ द होल कितना हो जाएगा, 18 × 10 थिकनेस तो हम लोगों ने बताया है ना। ये देखिए जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 320 mm का स्क्वायर। लेकिन जरा ध्यान से देखिए इस बात को कि ये जो एरिया आया 320 mm का स्क्वायर, इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद ये एरिया आ गया छोटा, इससे कम आ गया 355.69 mm² से, ये तो कम आ गया ना जी, ये कम आ गया, इतना तो कम नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जब पहले हम लोगों ने बनाया था तो हम लोग कितना निकाल करके लेके आए थे, 355.69 निकाल करके लेकर के आए थे, इससे तो कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए इस बी को बढ़ाना होगा, ये बी तो अपने लिए पंगा था ना, तो अब आप क्या कीजिए, इस बी को इंक्रीज कीजिए। कितना इंक्रीज कीजिएगा आप पूछिएगा, तो मैं तो बोलूँगा कि भाई 10 इंक्रीज करके देख लीजिए, ये तो भाई पूरा पूरे ट्रायल का काम है, ठीक है। तो ट्रायल का काम है तो मैं भी ट्रायल ले लेता हूँ कि रिवाइज कर लूँ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं टेंशन मेंबर में, जो कहा जाता है ना बहुत लंबा लंबा सवाल नहीं है, थोड़ा लेंथी सवाल है ना, कुछ इसमें है नहीं। रिवाइज विड्थ ऑफ बार क्या कर दूं मैं, 260 mm कर ही सकते हैं कोई, विड्थ ऑफ बार हम लोग क्या कर ले भाई, हम लोग रिवाइज कर ले, और कितना लेकर के आ जाएं भाई, 60 mm लेकर के आ जाते हैं। अगर हम लोग 60 mm लेकर के आ जाते हैं तो हमारे लिए देखिए क्या फायदा हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, फिर से ए एन निकाल के चेक कर लूँ कि ए एन इज इक्वल टू क्या था हमारे पास फॉर्मूला, बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी। तो अब इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को उठाते हैं और बहुत प्यार से क्या करें पटक देते हैं, यानी 60 माइनस 1 इंटू हमारे पास डी नोट की वैल्यू कितनी है भाई, 18 मान जा भाई, मानता नहीं है ना, 10, ठीक है, थिकनेस तो हम लोगों ने चेंज नहीं किया। तो अब आप इसको जरा सा सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 420 mm का स्क्वायर, और ये वैल्यूज जो है हमको मिल गई बड़ी, किससे, 355.69 से mm², ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया बिल्कुल बढ़िया, इसको हम लोग लिख देंगे क्या, ओके। ये देखिए काम हो गया आपको, पहला काम हो गया कि आपने एरिया निकाल लिया। अब जरा सा आपको आना पड़ेगा कनेक्शन की तरफ, क्योंकि नंबर ऑफ बोल्ट आपको पता नहीं है और कनेक्शन बहुत ज़्यादा इसमें
घुसना नहीं है अपने को, क्योंकि कनेक्शन अपने को बस सिर्फ इतनी इसलिए चाहिए कि नंबर ऑफ बोल्ट निकाले, है ना। तो इसीलिए हम शेयर बियर वो पूरा काम नहीं करके सिर्फ सिर्फ शेयरिंग को निकाल के मान लेंगे कि भाई शेयरिंग में ही क्या है, सबसे मिनिमम आया है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वहां से नंबर ऑफ बोल्ट निकाल लेंगे। तो आइए अब अपना काम क्या करते हैं कनेक्शन का। कनेक्शन पे आते हैं, ठीक है। देखिए गिवन हमारे पास क्या क्या है कि बोल्ट का डायामीटर है 16 mm, ठीक है। अच्छा ग्रेड कितना है, 4.6 है। तो यहां से आप क्या एक चीज निकाल सकते हो, एफ यू बी। मैं डायरेक्ट अब काम पर आता हूं ना, एफ यू बी आप निकाल सकते हो कितना हो जाएगा बोल्ट के लिए, 400 Nm/mm². ये आप पूछोगे कहाँ से निकला, तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ जी, टेबल नंबर 1 में जाइएगा, पेज नंबर 13 में ये कहानी आपको मिलेगी, और सीरियल नंबर भी बता देता हूँ ना, सीरियल नंबर 4 ये तो याद ही हो गया लगभग, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब आपको ये मान लेना होगा कि सारे सीयर प्लेन जो है वो थ्रेडेड पोर्शन में आ रहे हैं। फुल थ्रेड का केस मानिए, फुल थ्रेड का केस मानिएगा तो आप एन भी निकाल लीजिएगा। देखिए बहुत हम लोग इतना आगे तक बढ़ चुके हैं ना कि बिल्कुल अब कनेक्शन में तो टाइम देना बहुत महापाप लग रहा है मुझे। पाई बाई 4 × d² d यहाँ पर कितना है, d आपके लिए 16 है ना, अच्छा लिख ही देता हूँ ना d का स्क्वायर। तो देखिए 0.78 × π/4 × d² क्या है आपके पास में, 16 का स्क्वायर। इसको जरा सा सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा नियर अबाउट ले लेते हैं यहाँ, नियर अबाउट आपको मिल जाएगा 157 mm² ये आपको मिल गया ANV के वैल्यू। अब इतना मिलने के बाद आपको क्या निकालना था, आपको निकालना होता है शियर शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, ठीक है। शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट जिसको आप क्या नाम दिए थे, BDSB, इसको निकालने के लिए आप कहाँ जाते थे, आप जाते थे क्लॉज नंबर 10.3.3 में जाते थे, और पेज नंबर कितना होता था अपना, पेज नंबर होता था 75। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर फॉर्मूला आपको कोड क्या देता था, देखिए एक बार रिवाइज भी हो गया ना, FUB, मैंने कहा था ना दोनों कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, गामा ऑफ MB√3, उसके बाद आप लोग क्या लिखते थे NN, ठीक है, उसके बाद क्या लिखते थे ANB + NS ASB, ठीक है। अब तो यहाँ पर सिर्फ ANB से मतलब रहेगा क्योंकि सारा का सारा थ्रेडेड पोर्शन से लेना देना है हमको। तो यहाँ पर आप सारे वैल्यूज को उठाऊँ, मैं पटक दूँ 400/1.25 है ना, हाँ हाँ √3, इतना तरह का गामा ही अपन ने यूज कर लिया है कि गामा हो गया, जिंदगी गामा हो गया है। NN की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये कितना निकाला हम लोगों ने 157 निकाला, प्लस ये वाला तो 0, ठीक है, यू प्लेन संक से शियर प्लेन प्लेन संक में है ही नहीं मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 2906.07 newton। आप कहिएगा नहीं नहीं ऐसे काम नहीं होगा, तो मैं कहूँगा VDSB = ये रख लो अपने पास कि आप 29 kN। चलिए बहुत बढ़िया, ये आ गया ना। ये क्यों आप लेकर के आए, क्योंकि आपको जो काम था वो था इसीलिए नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड ये निकालना था आपका काम, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये था। बियरिंग यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन में करके दिखा दूंगा, वैसे बहुत ज़्यादा इसमें तो हम लोगों को कनेक्शन डिज़ाइन नहीं करना है ना, इसीलिए अब सारा कुछ निकालने बैठ जाएंगे तो हम लोग टेंशन मेंबर को कब डिज़ाइन करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं शॉर्ट में कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 नंबर ऑफ बोल्ट हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम लोग को लिखना पड़ेगा कि प्रोवाइड 4 16 mm डाया बोल्ट्स एट अ पिच, ये तो बताना पड़ेगा पिच ऑफ कितना, 45 mm। पिच कितना लिया है आपने, पी की वैल्यू ले लिया आपने 45 mm, ठीक है, विथ एन इन डिस्टेंस आप लोगों ने कितना ले लिया, मान लीजिए वैसे मान लेते हैं ना 35 mm, और क्या एक ले लेते एज डिस्टेंस भी लिख ही लेते हैं क्यों काम है, अभी बताता हूँ। एज डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं कितना 30 mm, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो क्यों किया ये काम, क्योंकि हमको बनाना था एक सुंदर सा प्यारा सा डायग्राम, बिना डायग्राम के तो हमारा काम ही नहीं होगा, ठीक है। मान लेते मेंबर इधर उधर आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने कितना बोल्ट प्रोवाइड किया है जी, 4 ना, तो रख देते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ से आपसे एक बात करनी है, इसीलिए डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि देखिए इसके सेंटर से यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस आप लोगों ने कितना माना है भाई, लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस लिया है 30 mm, ठीक है।
अच्छा, ये आपने कितना डिस्टेंस लिया है, ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहिएगा? 35 mm। अच्छा, और पिच कितना लिया है, यानी पिच आपने लिया है 45, ये वाला, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 45, सारा mm है ना, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 45। ये क्यों बनाया? ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अब जो आगे हम लोग काम करेंगे ना, ब्लॉक शियर के लिए जो काम करेंगे, उसमें जरा से इस डायग्राम को बहुत ध्यान से समझना होगा आपको। अगर आपने डायग्राम नहीं समझा है तो बहुत परेशानी हो जाएगी। देखिए, जब भी, अब मान लीजिए अगर लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास ये है कुछ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कोई फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स, नेट टेंसाइल फोर्स, ध्यान से देखिए यहाँ पर। और इसको अगर टूटना होगा तो ये टूटना होगा तो कैसे टूटेगा? देखिए, मैं यहाँ पर डॉट, यहाँ पर ग्रीन पेन से जो लाइन बना रहा हूँ, यहाँ से तो टूटेगा ही ना, ब्लॉक शियर फेलियर होना चाहिए, ठीक है, फेलियर कैसा होगा, ब्लॉक शियर फेलियर, यहां से टूटेगा और उसके बाद इसको यहां से टूटना पड़ेगा। तो जो मैं सिर्फ ग्रीन पेन से बनाया हूं, मेंबर से यही पोर्शन तो टूट करके अलग होगा, लेकिन ये देखिए, ये वाला जो लाइन है ना आपके पास, ये वाली लाइन जिसको मैं यहां पर थोड़ा सा हैच करके दिखा रहा हूं, ये लाइन, ये तो इसको, ये टूटा तो नहीं है ना, टूटा कहां से है, बस यहां से टूटा है। यानी ये अगर मैं नाम दे दूं यहां पर कि ये लाइन कोई ए है और लाइन बी है, ये लाइन ए और लाइन बी ही टूटा है, ठीक है। यहां पर अगर कोई लाइन है वो तो पहले से ही यार कटा हुआ है, वो तो टूटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। यानी ऐसे वाले क्वेश्चन में, ब्लॉक शियर में, आपको बहुत ध्यान से ये बात बताना होगा कि यहां पर शियर का प्लेन एक है, ठीक है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन उलझाने के लिए दिए जाते हैं, आपको उलझना नहीं है। इस तरह के सवाल में आपको बताना पड़ेगा कि यहां पर शियर का प्लेन एक है, टेंशन का प्लेन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही है ना। जो हम लोग पहले क्वेश्चन करते थे, पहला जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ब्लॉक शियर के लिए, वो डायग्राम में बनाने की कोशिश अगर करूं तो देखिए जरा ध्यान से, अगर डायग्राम में बनाता हूं, ऐसा था कुछ, मान लीजिए ऐसा था, तो आप क्या कहते थे, आप यहां से इसको तोड़ करके ले जाते थे, ये पोर्शन इस तरह से टूटता था, तो नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना होता था, 1 और 2, क्योंकि टूटता था ना मेन प्लेट से, मेन प्लेट से दोनों जो है 1 और 2 दोनों टूट के अलग होता था, तो अब दो कहते थे। यहां तो सिर्फ क्या है, एक ही वाला भाग, यानी लाइन ए ही आपका टूट करके अलग हो रहा है, ठीक है। अगर इधर की सरफेस की आप बात करो तो यहां तो ये पहले से ही कटा हुआ है, यानी यहां तो कोई शेयरिंग आया ही नहीं है, टूटा किसकी वजह से है, एक शियर प्लेन और एक टेंशन की वजह से। 1 लाइन बोल्टिंग में एक शियर प्लेन होगा और एक टेंशन प्लेन होगा, ठीक है, याद रखना है भजन की तरह से। अब देखिए मैं क्या करूं, मैं करूं ब्लॉक शियर निकालूं, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। देखो इसके लिए पहले एक क्लॉज लिख देता हूं, बार बार क्लॉज बनी, 6.4.1 में आप जाइएगा, पेज नंबर मेरे ख्याल से 33 है ना, यहां पर आप जाइएगा। देखिए यहां पर अब मैं निकालना स्टार्ट करता हूं, ग्रॉस शियर, शियर एरिया, कुछ भी करने के लिए ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना, एवीजी नहीं फाइंड आउट कीजिएगा। तो ये मैं लिखता हूं, देखिए 35 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 है ना, वैसे 3 × 45 भी कर देते, लेकिन सोचा कि चलो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए बात। × 10 क्या किया, तो इसके लिए डायग्राम से जाते हैं। देखिए ग्रॉस निकालना है हमको, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है 35, ये डिस्टेंस कितना है 45, ये 45, ये 45, और थिकनेस कितना है हमारे पास 10। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, वही काम कर दिया, यहाँ से ग्रॉस एरिया निकालेंगे, और ग्रॉस एरिया हमारे पास निकल करके आ जाएगा 1700 mm का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, नेट शियर, पहले तो शियर का काम कर लेना। देखिए यहाँ पर 1 ही कर रहे हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको भी नहीं करना है 1 लाइन वोल्टिंग के केस में। AVN लिखते थे ना इसको, AVN में देखिए अब मैं काम क्या करूं, मैं करूं बहुत प्यारा सा काम, कि पहले तो ये लिख लेते 35 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45, ये तो लाइन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से हमको घटाना होगा नंबर ऑफ होल को घटाता हूं ना, देखिए लिख रहा हूं मैं 18 प्लस 18 प्लस, ठीक है, देखिए कितने होल आएंगे यहां पर। आप लोगों ने 4 यूज किया ना, ठीक है, 4 बोल्ट यूज किया है, तो देखिए कितने होल आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, 1 2 3, 3 तो आपको क्या करना पड़ेगा पूरा, और चौथा का आधा, ये 3D बना करके मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इसलिए बोलता हूँ हर क्लास को देखिए, ध्यान से देखिए, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ है। × 10, ठीक है, सवाल बहुत लंबा होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग ना इस तरह के सवाल को नहीं पिक करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कौन इतना लंबा बनाए, लेकिन मजबूरी है ना अपने पास, कि अपन ने पहले ही ठान लिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए नेट दोनों निकाल लिया, शियर का निकाल लिया आप लोगों ने, अब ग्रॉस टेंशन एरिया,
टेंशन एरिया, ग्रॉस टेंशन एरिया। देखिए इसको क्या नाम दे दूं मैं, एटीजी नाम दे दूं, है ना। एटीजी क्या मतलब हो जाएगा, 30 × 10 डायरेक्ट कर दूं क्या? अब आप कहिएगा या फिर से डायग्राम दिखा दो सर एक बार। लो भाई ये वाला डिस्टेंस आप लोगों ने बताया ना, ये 30 है, ये सेंटर से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस अभी तो आप लोगों ने बताया है, जिसको आप लोगों ने लिखा एज डिस्टेंस, ये कितना है 30 mm है। तो ये 30 mm और इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा देखिए यहाँ पर जब मुझे घटाना होगा ना नेट के लिए, तो सिर्फ आधा ये वाला होल ही परेशान करेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 30 × 10 यह कितना वैल्यू आ जाएगा आपके पास, 300 mm का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या निकालूँ दूसरा, नेट नेट टेंशन टेंशन एरिया, इसको आप ATN लिख दीजिएगा तो कोई दुख की बात ना कोई दुख की बात नहीं है। इसमें आपको क्या करना होगा, बहुत ही आसान काम करिए, आपकी 30 माइनस क्या करूँ, एक का आधा है ना, 13 − 18/2। ये आपको कमेंट करके बताना है ना, ये कैसे घटा रहे, ये समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 3D में समझा दिया था। तो कमेंट आपको कर लेना है आया कि नहीं, यस और नो। 210 mm का स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या निकालना है, TDB1 and TDB2। TDB1 का मतलब क्या होगा, स्ट्रेंथ ड्यू टू शियर यील्ड एंड टेंशन फेलियर। तो अब हम लोग निकालने के क्रम में आगे बढ़ते हैं, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं पहला काम क्या करूं, मैं करता हूं स्ट्रेंथ। अब थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। ड्यू टू शियर यील्ड एंड टेंशन फ्रैक्चर, ठीक है। इसके लिए आपको कोड जो फॉर्मूला देता है, इसको हम लोग क्या TDB1 नाम देते थे ना, कोड आपको फॉर्मूला देता था AVG FY √3 γ(m0+0.9 ATN, उसके बाद क्या था जी FU/γ(m1), ठीक है। अब सारे वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन पटकना स्टार्ट करेंगे। देखिए पटक रहा हूँ ना सारे वैल्यूज़ को डायरेक्टली, 1700 × 250 √3+0.9 × 210 × 410। कैलकुलेशन है ये, कैलकुलेशन का अब्बा है ये, 1.25। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 22307.14+ यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 61992। अब इसको ज़रा सॉल्व कीजिएगा, ये देखिए न्यूटन में चल रहा है कहानी। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 28509.14 न्यूटन। इसको और अगर अच्छा से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या था ये, जी ये TDB1, तो ये इसको किलो न्यूटन में लिख देता हूँ, है ना। तो 285.05 kN, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास किसकी बात, TDB1 की बात। अब दूसरा हमको काम क्या करना पड़ेगा, दूसरा लिखना पड़ेगा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ अब पेंसिल में दिक्कत हो जाता है, स्ट्रेंथ ड्यू टू टेंशन यील्ड एंड शियर फ्रैक्चर, ठीक है। ये जब आप लिखिएगा तो आपको फॉर्मूला पहले यहां पर लिख देता हूं, 0.9 AVN FU/γ(m1√3+ATG), ठीक है, FY/γ(m0)। ये फॉर्मूला आपके पास, अब क्या करना है हमको, सारे वैल्यूज को उठाना है और यहाँ पर पटक देना है। तो जब आप इसको पटकिएगा बहुत प्यार से, तो ये आपको क्या करेगा, वैल्यूज को बताता चला जाएगा, 0.9 × 1070 × 410, ठीक है। AVN की वैल्यू रख दी और FFU की वैल्यू रख दी हम लोगों ने, 1.25 √3+ ATG की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास जी, 300 × 250 / 1.1। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद ये आपको देगा 250545.4
0.97 न्यूटन। लेकिन क्या है, अपने को तो आदत है नहीं, टी डी बी टू हमेशा क्या चाहिए अपने को किलो न्यूटन में, तो 250.54 किलो न्यूटन ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे ये निकाल करके बताइए कि ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ क्या है, तो आप क्या कहिएगा कि भाई ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इज मिनिमम ऑफ टी डी बी वन एंड टी डी बी टू। तो यहां पर अब आपके लिए क्या निकल करके आ जाएगा, टी डी बी यानी ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250.54 किलो न्यूटन। अच्छा ये जरा सा देख लीजिए कि ये 250.54 किलो न्यूटन जो है ना, इसकी वैल्यू ज्यादा है किससे, 105 किलो न्यूटन। 105 क्या था, जो हम लोगों को लोड दे रखा था ना, तो चूंकि ये वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि हेंस मैंने कहा था ना चेक लगाएंगे, हेंस क्या लिख सकते हैं, सेक्शन इज सेफ अगेंस्ट ब्लॉक शियर फेलियर। ठीक है, देखिए अगर ये कम रहता तो पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं हम, तो बोलते कि ब्लॉक शियर फेलियर में इसको टूट के बिखर ही जाना है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि जो लोड लग रहा है लेकिन स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, ज्यादा है, मैंने रोकने की क्षमता ज्यादा है जितना लोड लग रहा है उसके मुकाबले, तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे कि ये भाई टिक जाएगा। अब जरा एक और चीज चेक कर ले, वो क्या था अपने पास, स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू भी चेक कर ले, है ना, क्योंकि महान काम जब करने के लिए बैठे हुए हम लोग तो ये काम भी कर ले, इसमें कौन सा दुख है। तो देखिए स्लेंडरनेस रेशियो चेक करने के लिए आपको वही सोम वाला वही पुरानी कहानी, क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन आपको याद आ गया होगा, सोम में पढ़ते थे, है ना, वो एक मास है जो पूरा मास किसी एक पॉइंट से जो है घूम रहा है। ठीक है, वो डिस्टेंस जो है बहुत पुरानी कहानी है, और फॉर्मूला क्या था, एरिया के रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई, जहाँ मोमेंट ऑफ एनर्जी एन टू ए डिवाइड बाई ए, ए जहाँ पर क्या हो जाएगा एरिया। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हो क्या कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई बाई ए, ये काम कर सकते हो। अब देखो जरा बड़ा सिंपल है, बिल्कुल डरना तो है ही नहीं, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्सिया लिख देता हूँ मैं, मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा, बी टी क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ये तो वही बचपन की कहानी है, एरिया क्या हो जाएगा बी इंटू टी। तब यहाँ से देखिए कि क्या हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, टी से एक टी कट जाएगा, टी स्क्वायर बचेगा, तो टी को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आर इज इक्वल टू, है ना, आर इज इक्वल टू टी अंडर रूट 12, टी डिवाइड बाई अंडर रूट 12। देखिए यहाँ पर अगर सेक्शन आपको गिवन होता तो आप SP6 के पार्ट 1 में जा करके डायरेक्टली रेडियस ऑफ डायरेक्शन पिक कर लेते, ठीक है, चूज कर लेते वहाँ से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं करके दिखाऊंगा कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन हमको पता नहीं है कैसा है इसीलिए निकाल रहे हैं, अदरवाइज निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत मिनिमम सवाल ऐसे होते हैं जिसमें निकालने की जरूरत पड़ती है, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है आपको। तो ये जब वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.887 mm, ये हो जाएगा जी आपके पास। इतना आने के बाद अब आपको क्या पता है कि लेंथ कितना दिया हुआ है, देखिए इसीलिए उसने लेंथ दिया है ना, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, अरे भाई जब आई निकाल दिया हम लोग रेक्टेंगल मार्क करके तो फिर लिखने की क्या बात है, फिर भी लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना, रेक्टेंगुलर बार एल कितना है, 1 मीटर, 1 मीटर का आप 1000 mm ही लिखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यानी अब आपके पास क्या आ जाएगी, इसीलिए स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा, किससे दिखाते थे, हाँ लेमडा से दिखाते थे, क्या होता था, एल बाई आर होता था, है ना, वहाँ पर हम लोगों ने ये वाला आर रखा है ना, तो यही आर को रखिए, ठीक है, जहाँ पर जो आर रखा है फिर से लिख देता हूँ, एल डिवाइडेड बाई आर, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको परेशानी थोड़ी सी हो जाती है कभी कभी, है ना, कि वहाँ पर ये आर रखा, यहाँ पर ये आर रखा, क्या आर रखा है, लेमडा डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आपने कितना निकाला है, 2.887, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 346.38। लो भाई ये तो आ गया वैल्यू, चेक कहाँ से करेंगे, चेक आपको लगाना होगा टेबल नंबर 3 में आप जाइएगा, पेज नंबर 20 में, मैंने आपको बताया था पिछले बार एक बार, है ना,
स्टार्टिंग में ही स्लेंडरनेस रेशियो वैल्यू, उसमें लास्ट वाला वैल्यू देखिएगा कि किसी तरह के भी टेंशन मेंबर के लिए 400 होता है। ये जो हमारे पास वैल्यू आया ये कम है किससे, 400 से, तब ये क्या होगा, ओके। अगर ये ज़्यादा होता तब हमारे लिए परेशानी होता है ना, ये चूंकि कम है इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर आपका काम यहाँ पर हो गया, ठीक है। जो वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट किए है ना, जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया वो क्या है, 400 से कम है, इससे कम होना चाहिए, क्योंकि वो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू दिया हुआ है ना। अब खुद को ले आते हैं और एक बात आप लोगों से कर लेते हैं। देखिए सवाल जितना ज़्यादा टिपिकल दिख रहा था उतना ही आसान था, बस सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को क्या करना था, उसमें कैलकुलेशन करना था, हल्का सा दिमाग लगाया हम लोगों ने, कैलकुलेशन किया। मुझे लगता है कि ये जो सवाल था ना देखने में लंबा था, ये तो कनेक्शन से भी ज़्यादा आसान था। थोड़े से कॉन्सेप्ट कनेक्शन के यूज़ किए हम लोगों ने नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए, और थोड़े से कॉन्सेप्ट यूज़ किए किसके, टेंशन मेंबर के, जिससे हम लोगों ने एरिया वगैरह फाइंड आउट कर लिया, दो चेक लगा दिया ब्लॉक शियर का, और किसका लगा दिया भाई, स्लेंडरनेस रेशियो का। यहाँ पर आकर के आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट होता है। इस तरह के सवाल के मोर देन 90% चांस होते हैं कि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। लंबा सवाल भी होता है, आसान भी होता है, और इसको बनाया जा सकता है 3 आवर के एग्जामिनेशन में। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, इसको नोट कीजिए। आपको नहीं समझ में आया तो कम से कम इसको 2 बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। नहीं, और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला हुआ है ना जी। आपको क्या करना है, सिंपल सा एक कमेंट करना है, और आपको आज ये भी कमेंट करना होगा कि जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इस तरह से सही है या शॉर्ट में कैलकुलेशन करें ताकि थोड़ा सा टाइम बचे, ये भी आप बता दीजिए, बहुत बढ़िया होगा। और क्या करें आप कि चैनल को सब्सक्राइब तो करें, साथ में अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, है ना। और क्या करें, इस पेंडेमिक में पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।